जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार हैं प्रधान पद के लिए, और मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी अपना आशीर्वाद और सहयोग दें तो इस आपका शहर का जो विकास है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, जैसा कि आप सभी को पता है नगर पालिका नगर निकाय के चुनावों का बिगुल बज चुका है, और शहर के अंदर चारों तरफ जहां भी आप नज़र उठा के देखते हो हर वार्ड से पार्षद अलग अलग अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन भरने के लिए पूरे शहर के अंदर चुनाव का जो माहौल बना हुआ है अब देखते ही बनता है। और अब हमारे साथ महम से पूर्व चेयरमैन फत्ते सिंह जी नॉमिनेशन भरने के लिए जो आए हुए हैं उनकी भीड़ आप देख ही रहे हो, समर्थक उनके साथ है। नफे जी, जिस तरीके से पिछला कार्यकाल आपका रहा, आपने जो काम किए, क्या लगता है आपको एक बार फिर से जनता आपको चुनने जा रही है? जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मेरे को रहा पिछली टर्म में भी, और मैं अभी भी उनके आशीर्वाद से ही, जनता के आशीर्वाद से ही इस महम की जनता की सेवा करने के लिए जनता आशीर्वाद देंगी, मेरे को विश्वास और पक्का विश्वास है। मैं दोबारा फिर जनता की सेवा करने के लिए हाजिर होया हूँ। अगर किसी प्रकार की मेरे से जनता से कोई गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं महम शहर का पूरा विश्वास पूरा वो विकास करूँगा, उसके लिए मैं अपने जी और जान से हर वक्त तैयार रहूँगा। क्योंकि पिछले कुछ टर्म हो सकता है कोई कमी रह गई हो, 2 साल तक कोरोना रह गया, हमारे को भी ज्ञान कुछ कम था, अब थोड़ा बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा थोड़ा बहुत, उसके लिए हम महम शहर की विकास के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे और सबकी सेवा के लिए सबका आशीर्वाद लेने के लिए हाजिर है। आज जो आप फार्म भरने जा रहे हो, क्या आप पार्टी की तरफ से फार्म भर रहे हो या निर्दलीय फार्म भर रहे हो? अभी मैं फार्म भर रहा हूँ सिर्फ अपने निशान पर, बाद में देखें पार्टी क्या दे सकता क्या नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से आपने पिछला कार्यकाल पूरा किया है पार्टी के साथ रहते हुए, क्या अभी तक पार्टी जो है ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसको आगे लेके आना है? देखो, पार्टी अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं कर पाई है, पार्टी को डिसाइड करेंगे तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्या लगता है इस तरीके की समस्या, चुनाव की डेट और फार्म भरने की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है फिर भी पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई है, क्या कहीं आपके कार्यकाल में जो कामों में कुछ कमी रही, या फिर अभी जो है पार्टी खुद अभी समझ नहीं पा रही कि किसको आगे लेके? क्योंकि जिस तरीके से अब डायरेक्ट प्रधानी के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पूरे शहर का समर्थन चाहिए, और कहाँ कमी लग रही है आपको, क्या क्या दिखते आ रही है कि पार्टी अभी तक जो है डिसाइड नहीं कर पा रही? पार्टी पूर्ण मेरे साथ है, पार्टी का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन कुछ कारणों से पार्टी की विशेषता होगी कि अभी सिंबल नहीं दे सकी, क्योंकि महम महम में नहीं जितनी भी नगर पालिका है सभी के अंदर पार्टी ने कोई सिंबल जारी नहीं किया है, सिर्फ नगर परिषद और नगर निगम के लिए जारी किया है, जो सब पे लागू है वो हमारे पे लागू है। तो पार्टी का आशीर्वाद जो है, पार्टी का साथ आपके साथ बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, पार्टी के आशीर्वाद से रहेंगे, पार्टी जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ आप कहना चाहोगे, कितना जोश आपके साथ जो समर्थक आए उनमें लग रहा है? बहुत ज़्यादा जोश है जी, फतेह प्रधान के साथ में बहुत ज़्यादा शहर बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ है, बहुत अच्छी तरह है। अगर कोई गलती भी होगी फतेह प्रधान फिर भी सहा नहीं मिलेगा, जो कि हाथ पकड़ के अनुका दे रहे प्रधान तने यो नहीं कराया, और आदमी कोई भी होगा आकड़ के खड़े फतेह प्रधान ने कभी नहीं, भाई कराऊँगा चाचा कराऊँगा, इसका शहर में इस चीज़ के बहुत ही चर्चा है, इतना काम करया इतना वो कराया, और हम तो हाथ जोड़ गए कहे हैं कोई गलती भी हो तो माफ़ करियो, 36 बिरादरी का आशीर्वाद रहेगा तो जीतेंगे हम जरूर, सहयोग है सभी शहर का सहयोग है। हूँ भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है काफ़ी, इनकी ये हमारी बिरादरी नहीं सारे पूरे शहर में मैंने इनकी चर्चा सुनी है, और इसीलिए हम उनके साथ हैं भाई, जैसे भी उसके साथ हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार। पिछले जो हमारे फतेह प्रधान जी का 5 साल का पूरा जो कार्यक्रम करा है, योगदान पूरा रहा, जी जान लगा के इन्होंने मेहनत करी है, और इस बार भी समर्थन पूरा दिल से पूरी बिरादरी का है, 36 बिरादरी का इनका सहयोग है। तो दोस्तों, अब उम्मीद यही करते हैं जिस तरीके से जो भी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं पार्षद हो या चेयरमैन हो, सबका यही दावा है कि जीत हम ही हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूं, देखना आपको है कौन ईमानदारी से आपका काम करने वाला है, कौन आपके मुद्दे उठाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक अपने जात पात से ऊपर उठ के जो है उम्मीदवार चुने, ताकि इस शहर का एक बार फिर से विकास हो सके। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, अभी और भी जो उम्मीदवार उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों, अभी जो है हमने पूर्व चेयरमैन जो है फत्ते सिंह जी उनसे बात की, उनसे जाना किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, अब की बार जो है उनके पुत्र वुद्ध जो है चेयरमैन के इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए आए, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए।
नमस्कार, मैं भारती पवार, मैं पूर्व फतेह सिंह प्रधान की पुत्र वधू हूँ। मैं इस बार अपना इलेक्शन में नॉमिनेशन कराने के लिए आई हूँ जी। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने 10th 12th बीकॉम और मास्टर्स की है। राजनीति परिवार में आपका आना हुआ है, राजनीति से पुराना संबंध रहा है, क्या कुछ इसका भी फायदा आपको मिलने जा रहा है और क्या आपकी रणनीति रहेगी? आपने इस राजनीति परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ सोचा है? जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले भी पॉलिटिक्स फैमिली से ही हूँ। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी हैं, वो पहले भी इसमें पॉलिटिक्स में रहे हैं। उनका इस का मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हीं से मैं सब कुछ सीख रही हूँ, उन्हीं से सीखने का मेरे को मौका मिलेगा। क्योंकि मैं तो अभी नई हूँ, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, उन्हीं से सीखना है और उन्हीं के सीखे हुए कदमों पर मुझे चलना है। और हमारी यही कोशिश है कि हम पब्लिक को सुने, पब्लिक के सुनने से ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम पब्लिक की बातों को सुन पाएंगे तभी उनका समाधान कर पाएंगे। उनके समाधान से ही तो आज हम यहाँ खड़े होंगे। अगर हम उन्हीं की नहीं सुनेंगे तो फिर हम कैसे अपने इस लेवल को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या कुछ खास मकसद जो आप आगे लेकर चलना चाह रहे हो, जो कुछ आपने मन में सोचा हो, खास देख रहे हैं उनके साथ साझा करना चाह रहे हो? जैसे कि हमने अभी पहले वाले इंटरव्यू में सुना कि हम जो है एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, जिनसे कि एजुकेशन जो अब के यूथ हैं उनको इस चीज़ के लिए सहायता हो, वो पढ़ाई के लिए बाहर ना जा सके, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इससे पूरी हो जाए, ताकि हम एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी बनवा सकें। ठीक है, और पानी की समस्या, जैसे कि पापा जी ने बताया है, पानी की समस्या महम शहर में बहुत बड़ी रही है, उसका सुलझाव कर सके। उसका सुलझाव करने से ही पानी की, महम शहर की पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है भारती पवार जी, उनके हस्बैंड। मैं पूरे शहर से, मेरी महम की जनता से ये अपील करता हूँ कि ये जो भी समय है ये 5 वर्षों में एक बार मिलता है, जैसा पिछला कार्यकाल पिताजी ने अपनी ओर से कोशिश की है, भरपूर प्रयास करें, चाहे वो पार्कों को लेके हो, सफाई को लेके हो, हर प्रयास अपनी ओर से किया है, लेकिन फिर भी उसमें कमी रह गई हो, तो मैं सभी भाइयों से, जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आगे अच्छे से अच्छे काम करने की भावना के साथ आपको, आपकी पुत्र वधू को आपके बीच उतारा है। पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, महिलाओं के लिए हर चीज़ के लिए काम करने के लिए तत्पर है। आपके सहयोग से हर डेवलपमेंट आपको महम शहर में देखने को मिलेगी, चाहे वो ग्रीनरी को लेके हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, आपके लिए दिन रात आधी रात को भी खड़े पाएंगे। आपकी पुत्र वधू की तरफ से मैं अपील करता हूँ, कृपया करके इस चुनावी माहौल को तसल्ली से पूरा करें, वह इसको विजयपूर्ण घोषित करें, आशीर्वाद दें।